आमतौर पर लुटेरी दुल्हनों को ढूंढना पुलिस के किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं होता है। ऐसा ही एक पहेली बनकर एक लुटेरी दुल्हन और उनके एक साथी ने राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है और 7 लाख रुपए ऐठ लिए हैं। दरअसल उदयपुर के खेराना थाना क्षेत्र में एक युवक को अपनी सुंदरता के जाल में उलझाकर गलत जाति और नकली आधार कार्ड बनवाकर लुटेरी दुल्हन ने पहले तो शादी कर ली, वहीं कुछ वक्त गुजरने के बाद उसने 7 लाख रुपए ऐठ लिए। कुछ समय बाद उदयपुर रुकने के बाद आखिरकार लुटेरी दुल्हन अपने पति को छोड़कर इंदौर भाग आई। पीड़ित पति ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद राजस्थान पुलिस को पता चला कि लुटेरी दुल्हन और उसका साथी इंदौर में छिपे हैं। इधर इस मामले की जानकारी जब खजराना पुलिस को लगी तो पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उनके साथी का पता लगा लिया। थाना खजराना इंदौर में अभी राजस्थान की पुलिस टीम आई है, जो कि थाना खेरोदा जिला उदयपुर राजस्थान से आए हैं और उन्होंने बताया कि उनके वहाँ एक अपराध पंजीबद्ध है धारा 420 120 IPC के तहत, जिसमें कि 2 अभियुक्त हैं विजय चौबे और सुमन मेहरा, इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है। आरोप ये है कि इन्होंने एक युवक से शादी की और 7 लाख रुपये लिए और अपनी जाति धर्म बदल कर और नकली आधार कार्ड के आधार पर शादी की और बाद में युवक से और पैसों की मांग कर रहे थे और युवती अपना ससुराल छोड़कर यहाँ रह रही थी। इसकी एक जांच हमारे यहाँ भी चल रही थी, उसकी परिप्रेक्ष्य में ये अपराध होना पाया गया है और हमने वहाँ की टीम की मदद करके और दोनों जो आरोपी हैं उनको अभिरक्षा में दिया है उदयपुर पुलिस को और वो लेकर ले आ जा रहे हैं। इंदौर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को उदयपुर पुलिस को पुलिस अभिरक्षा के तहत सौंप दिया है। जिला उदयपुर थाना खेरोदा से आज में थाना खरगोश जिला इंदौर मुकदमा नंबर 179/21 धारा 420 120 IPC में हमारे वहाँ पर पंजीबद्ध हुआ था थाने में, तो उसके बारे में यहाँ पे तहकीकात करने के लिए आए थे तफ्तीश में। तो अभियुक्त सुमन मेहरा पिता रोशनलाल मेहरा व विजय चौबे पिता रामलाल चौबे दोनों को पूछताछ हेतु थाने पर आता पर ये खरगोन के द्वारा इमदाद दी, जिन्होंने पूछताछ हेतु थाने में बुलाया, जिनको हमरा ले अनुसंधान के लिए उदयपुर ले जा रहा हूँ, अनुसंधान अकब से किया जाएगा। वहीं उदयपुर पुलिस अब खेराना थाना ले जाकर धोखाधड़ी के मामले में आगे की कार्रवाई राजस्थान में करेगी। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।